नमस्कार दोस्तों, वैदिक एस्ट्रो लाइव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सपने में गणेश जी को देखना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इसमें कही गई बातें आपको अच्छे से और स्पष्ट समझ में आ सके। तो चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों कोई भी कार्यक्रम या फिर निमंत्रण देने से पहले भगवान गणेश जी को ज़रूर याद करते हैं। तो आज ये हम बताने वाले हैं कि अगर आप अपने सपने में गणेश जी को देखते हैं तो क्या होता है। अगर आप अपने सपने में गणेश जी को मुस्कुराते हंसते या फिर खुश होते हुए देखते हैं तो ये सपना आपको जानकारी देता है कि आपसे भगवान गणेश जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं, आपकी जो सारी परेशानी है उससे छुट्टी होने वाली है। दोस्तों सपने में भगवान गणेश शिवलिंग के साथ अगर दिखते हैं तो क्या होता है। यह सपना आपको बताता है कि आपके ऊपर शिव जी और गणेश जी एक साथ दोनों की कृपा आपके ऊपर बने रहने वाली है। अगर आप सपने में माता लक्ष्मी और गणेश जी को एक साथ देखते हैं तो क्या होता है। यह सपना आपको इशारा करता है कि गणेश जी और लक्ष्मी जी हैं तो आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगी और आप जो धन अर्जित करेंगे वो अपने दिमाग से अर्जित करेंगे। दोस्तों अगर आप गणेश जी को अपनी सवारी मूसक पर सवार होते हुए देखते हैं तो ये सपना आपके भविष्य में कुछ ऐसा परिवर्तन लाने वाला है जिससे आपको भरपूर धन लाभ होने वाला है, आपको धन की कमी नहीं रहेगी। अगर आप गणेश जी आपके सपने में पिछले कई दिनों से आ रहे हैं तो इसका मतलब गणेश जी आपके इष्ट देव हैं। आपको उनकी अच्छे से पूजा पाठ करना चाहिए, उनकी पूजा में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। दोस्तों सपने में भगवान गणेश जी की खंडित मूर्ति देखना, यह सपना अशुभ होता है और आपके ऊपर कोई समस्या आ सकती है लेकिन उस समस्या से आप निकल जाएंगे। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।